हमारे साथ आज सुधीर राज सिंह जी हैं। आज 23 सितंबर 2018 है। आइए उनसे जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 101वें संकल्प दिवस की क्या महत्व है। तो सुधीर राज सिंह जी बताइए हमें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 के दिन एक संकल्प लिया, एक अधिष्ठान किया कि जो समस्या उनके साथ आई वो अब उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लगभग 26 साल 5 महीने की उम्र का एक नौजवान, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नौजवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, 5 साढ़े 4 साल तक वो इंग्लैंड और अमेरिका में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, दुनिया को समझा और एक समता का वातावरण वहाँ उन्होंने व्यतीत किया। उससे पहले वो 1913 में बड़ोदरा, यानी जो आज का बड़ौदा है, वहाँ आए थे और लेफ्टिनेंट की नौकरी वहाँ उन्होंने की थी। वहाँ से वो स्कॉलरशिप लेके, छात्रवृत्ति वजीफा लेके और विदेश पढ़ने गए, पहले अमेरिका गए और फिर वहाँ से लंदन गए। तो लौट के आने के बाद में, क्योंकि एक करार था, एक एग्रीमेंट था वहाँ के जो नरेश थे सयाजी गायकवाड़ जी के साथ में, कि आप 10 साल तक हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। सयाजी गायकवाड़ उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त सचिव बनाना चाहते थे, मगर अनुभव ना होने के कारण उनको कहा कि आप जो सेना के सचिव हैं, मिलिट्री के सचिव हैं, डिफेंस के सचिव हैं, वो बन जाइए। तो बाबा साहब अपने ऋण को चुकता करने के लिए अपने भाई के साथ में जो बड़ोदरा का रेलवे स्टेशन पुराना वाला है वहाँ उतरते हैं, और लेटर के अनुसार वहाँ पर, पत्र के अनुसार वहाँ पर उनकी अगुवाई के लिए कुछ लोग आने थे जो उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था भी करते, उनको लेके भी आते, क्योंकि एक डिफेंस सेक्रेटरी का पद बहुत ऊँचा पद होता है, सेना का सचिव, यानी सेना जिसके पूरे कंट्रोल में रहती है। मगर वहाँ कोई नहीं आया और रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुई, उनको रेलवे स्टेशन पे बगीचे में 2 दिन रहना पड़ा। मकान नहीं मिला तो जहाँ भी मकान लेने जाते थे उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं, वो सीधे सीधे कहते थे मैं हिंदू हूँ, आप मुझे मकान दीजिए, मगर उसके बाद वो कहते थे कि आपकी जाति क्या है, और जाति सुन के मकान को नहीं देते थे। एक अनुभव उनको और भी हुआ कि ये जो बीमारी है ये खाली हिंदुओं में ही नहीं है, क्योंकि हिंदू होने के नाते हिंदू को मकान देना चाहिए था, मगर और भी जो धर्म के लोग थे, और भी जो धर्मों के लोग थे, उन्होंने भी उनको मकान नहीं दिया। वहाँ असर इस जाति का वहाँ भी था। तो वो बहुत परेशान हुए, उन्होंने वो लिखित में सारी बातें जो नरेश थे, सयाजी गायकवाड़ थे, उनको बताई, लिखित में दी। उन्होंने दीवान को कहा कि आप व्यवस्था कीजिए, मगर जो दीवान थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जाति के आगे वो भी मजबूर हो गए और मकान का उपलब्ध, या मकान की उपलब्धता नहीं हो पाई। फिर वो वापस आ गए। वापस आने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में अपने एक दोस्त को कहा, दोस्त ने एक क्रिश्चियन फैमिली के लिए लेटर लिखा। जब क्रिश्चियन फैमिली के लिए लेटर लिखा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि मेरी पत्नी हालांकि क्रिश्चियन है मगर वो ब्राह्मणी जो रूल हैं उनको छुआछूत को मानती है, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने सयाजी राव गायकवाड़ जी से एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि आप मुझे ऋण मुक्त कर दें, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, मगर काम करने के अलावा मुझे जो यहाँ रहने खाने की व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है और प्रशासन भी इसको नहीं करवा पा रहा है। इस प्रकार उन्होंने लेटर लिखा और वो हमेशा के लिए मुंबई आ गए। तो जो पहला वाला एक्सपीरियंस था जिसमें वो 2 दिन तक बाग में रहे और एक जो पारसी की धर्मशाला थी उसमें नाम बदल के पारसी की धर्मशाला में रहे, तो पारसी लोगों का जो समुदाय था वो लठ लेके आ गया और लठ लेके उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो, तुम अछूत हो और तुम यहाँ से निकलो, तुमने हमारी जो धर्मशाला है वो अपवित्र कर दी है। और वहाँ से उनको सामान उनका फेंका गया, सामान लेके वो स्टेशन पे गए और जहाँ वो मुंबई की गाड़ी के लिए, बम्बई की गाड़ी के लिए इंतजार कर रहे थे, उस गाड़ी में 4 घंटे का इंतजार था, इसलिए वो 4 घंटे तक एक वहाँ कमाटी करके पार्क था, उस पार्क में रहे जिसका नाम आज की डेट में सयाजी पार्क है, और एक निग्रोध वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे वहाँ वो बैठे और उन्होंने चिंतन किया
और चिंतन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि मैं पढ़ा लिखा इन सबसे अच्छा कपड़ा पहने हुए अमेरिकन अंग्रेजी स्टाइल का कपड़ा पहने हुए सबसे ज़्यादा विद्वान सबसे ज़्यादा डिग्री साफ शुद्ध गोरा रोज नहाने वाला व्यक्ति अगर उसको सम्मान नहीं है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो छुआछूत है या जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग अछूत जो लोग हैं वो गंदे रहते हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं या उनमें समझदारी नहीं है इसलिए हम उनसे घृणा करते हैं ये बात निराधार है झूठ है। घृणा उनके मन में बसी हुई है। आप अच्छा कपड़ा पहन लें अच्छी नौकरी कर लें क्योंकि मैं सबसे अच्छी नौकरी के बावजूद भी मेरे को मेरा चपरासी पानी तक नहीं देता। मैं पूरे दिन प्यासा बैठा रहता हूँ फाइलें नहीं देता फाइलें फेंक के मारता है मेरे आने जाने पे दरी उठा ली जाती है मेरे से कोई आँख नहीं मिलाता है मेरा कोई स्पर्श करने को दूर दूर तक भी तैयार नहीं है और उन्होंने राज शासन को भी नहीं माना। इसलिए ये एहसास उन्हें हुआ कि जाति का जो जहर है मन से है और वो इतना गहरा है कि जो नरेश है अगर राज नरेश और राजा भी अगर इसको चाहे कि ख़त्म कर दे तो अभी ये नहीं होगा। अब मैं इस जाति का समूल नष्ट करूँगा अब मैं इसको नष्ट करूँगा और इसको ख़त्म करूँगा ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। ये संकल्प उन्होंने वहाँ लिया। इस संकल्प को बाबा साहब का सबसे बड़ा संकल्प माना जाता है क्योंकि बाबा साहब के पहले जो गुरु हैं उन्होंने भी बहुत संकल्प किए हैं। सबसे बड़ा जो संकल्प है वो भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया ज्ञान प्राप्त करते समय उन्होंने जो कठिनाई आई तब उन्होंने एक संकल्प किया जिसको अधिष्ठान बोलते हैं। उन्होंने अधिष्ठान किया कि मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूँगा जब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक कि मैं सम्यक सम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता चाहे मेरी खाल सुकड़ जाए चाहे मैं मर जाऊँ चाहे मेरी हड्डियाँ बाहर आ जाएं निकल के मगर मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा। और ऐसा अधिष्ठान करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद सम्राट अशोक ने एक अधिष्ठान किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राज करने के लिए राजकाज के लिए हथियार नहीं उठाऊंगा मैं करुणाशील समाधि से राज करूंगा। और उन्होंने ये जो अधिष्ठान किया जो संकल्प किया उस संकल्प से उनका राज आज की तक भी दुनिया में सबसे बड़ा राज रहा है भारत के अंदर सबसे बड़ा राज रहा। उनके पुत्र ने भी किया और उनके पुत्र ने भी किया। जब तक राज करुणा से चलता रहा पंचशील से चलता रहा उनकी जो सीमाएं थीं वो ईरान से लेके और बर्मा तक थीं और जैसे ही पंचशील भारत से गया और जैसे ही करुणा का मैत्री का राज गया समता का गया वैसे ही भारत सुकड़ता चला गया छोटा होता चला गया डे बाय डे और इसके टुकड़े होते चले गए। उसके बाद जो किया उनके गुरु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो गुरु थे उन्होंने एक संकल्प किया अधिष्ठान किया जब उनका अपमान किया वो शूद्र थे और शूद्र होने के नाते एक बारात में अपने दोस्त के साथ गए थे जो द्विज की बारात मानी जाती है ब्राह्मणी बारात मानी जाती है और वहाँ उनको शूद्र कह के अपमानित किया गया उनको लात मार के वहाँ से निकाला गया उनके कपड़े फाड़े गए। तो वो शिवाजी महाराज जो उनके वंशज थे वहाँ जाके उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं आज के बाद ये जो विद्या हमारी चली गई है ये जो एजुकेशन चली गई है जिसकी वजह से हम शूद्र बने हैं वो एजुकेशन मैं वापस लाऊंगा। और उन्होंने अपनी पत्नी पढ़ाई महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए स्कूल जो बंद थे वो खोले और सबको उन्होंने शिक्षा पढ़ाई। उसके बाद बाबा साहब का संकल्प आता है जो विश्वख्यात है क्योंकि बाबा साहब का संकल्प इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि उनके पास में अभाव था। और उसके बाद जो माननीय काशीराम साहब हैं उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं ना घर जाऊंगा ना किसी मरे में जाऊंगा ना किसी दावत में जाऊंगा और मैं पूरा जीवन बाबा साहब अम्बेडकर और जो ज्योतिबा फुले हैं उनके रास्ते पर चलता हुआ इस जो मिशन है ये जो हमारा जाति उन्मूलन सिद्धांत है इसको आगे करते हुए मैं इसे ख़त्म करूँगा और दुनिया में समानता स्थापित करूँगा। तो ऐसे प्रण जो हुए जितने भी उनको बुद्ध की भाषा में अधिष्ठान बोलते हैं पाली भाषा में पुरानी भाषा में अधिष्ठान बोलते हैं इसलिए इसको विश्व अधिष्ठान दिवस बोला जाता है वर्ल्ड रिजोल्यूशन डे बोला जाता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधिष्ठान है वो सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास में कुछ था ही नहीं ना रोटी खाने के पैसे थे ना कपड़े थे उनके बच्चे अभाव में मर गए उनको आने जाने के पैसे नहीं होते थे आंदोलन के लिए उन्हें जगह 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 मीटिंग करके पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे और उनके दुश्मन सारे थे और फिर भी वो इतना अचीव किए कि उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो पूरी दुनिया मानती है इसलिए इसको विश्व अधिष्ठान दिवस बोला जाता है। और ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो संकल्प लेते हैं वो निजी संकल्प होते हैं स्वार्थी संकल्प होते हैं मैं धन बहुत कमाऊँ मैं नौकरी बहुत करूँ या मेरा ये काम सिद्ध हो जाए मैं संकल्प करता हूँ या मैं IAS बन जाऊँ या IPS बन जाऊँ या मैं ये नौकरी कर लूँ या मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए
या मेरे परिवार में इतनी ज़मीन और आ जाए, इजाज़त और आ जाए, ये सारे पर्सनल प्राइवेट व्यक्तिगत संकल्प होते हैं जो दुनिया में हज़ार लोग करते हैं। मगर सम्यक संकल्प करने वालों की आज की तिथि के अंदर बहुत बाढ़ आई हुई है। अम्बेडकरवादी, बुद्धिस्ट, ज्योतिबा फूले के आंदोलन के जो लोग हैं वो डे बाय डे बहुत संकल्प कर रहे हैं। कोई दरी बिछाने का संकल्प करता है, कोई सभाओं में जाने का संकल्प करता है, कोई अपना बचा हुआ शेष जीवन अम्बेडकरवादी फूले आंदोलन की शिक्षाओं को बढ़ाने में करता है, कोई सबको इकट्ठा करने में करता है। और ये पूरे भारत में एक चारों तरफ जगह जगह संकल्पों की बाढ़ रखी है। ये संकल्प दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी आज के दिन कोई संकल्प कीजिए, जैसे हमारे महापुरुषों ने, जैसे गौतम बुद्ध ने किया, जैसे सम्राट अशोक ने किया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जैसे ज्योतिबा फूले ने किया, जैसे माननीय काशीराम जी ने किया, वैसे ही छोटे मोटे जितने भी संकल्प हमारे होते हैं वो सभी अच्छे हैं। धन्यवाद।